क्या नाना जी घर पे हैं? जी हाँ, अंदर आइए। नमस्ते नाना जी। आओ आओ बैठो। तुम्हारे आने की खुशी में मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ, सुनो। आपने कभी इनका गाना सुना है? हाँ, कई बार सुनना पड़ा है, लेकिन जो डर बिजली के कड़कने से नहीं लगता, वो डर नाना जी का गाना सुनने से लगता है। मगर बचने का उपाय है क्या? मैं कुछ करता हूँ। नाना जी, आप गाना बंद कर दीजिए। क्या कहा? क्यों बंद कर दूं? वो अंकल जी थक गए होंगे तो सुबह सुबह सुनेंगे पहली किरण के साथ सुबह का वक्त और आपका सुंदर गाना, ठंडी हवा, क्या मजा आएगा। ये तुमने अकल की बात कही शिवा, अर्ली मॉर्निंग गाने का मजा ही कुछ और है। कौन है? कौन है वहाँ? लगता है कोई चोर घुसाया है। मुझे लगा कोई चोर है। ओ, तुम शिवा हो? हाँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? धीरे बोलो धीरे, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ और वेदा शहर में आज दो बड़े गैंग आने वाले हैं, पैंथर गैंग और फॉक्स गैंग। मैं उन्हीं को एक्सपोज करना चाहता हूँ, छत से उन्हीं को वॉच कर रहा था। कल वो वेदास गार्डन में मिलने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। किसी का मुकाबला नहीं हो सकता, मैं इधर हूँ, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था। मैं फॉक्स हूँ। फॉक्स का शरीर भले ही कमजोर हो, दिमाग बहुत तेज होता है। कौन है? पकड़ो इसे। कौन हो तुम? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। इतने घबराए हुए क्यों हो? कौन आ गया? पुलिस आ गई क्या? एक बच्चा आ गया। क्या, एक बच्चा? हाँ बॉस, एक बच्चा। वो एक ही बच्चा हम सब पर भारी पड़ गया बॉस। बड़ी जोर से मारता है बॉस। एक बच्चे से डर गए? बॉस अभी मौका है, भाग लो, नहीं तो पिट जाओगे और फिर पछताओगे। कमाल करते हो तुम लोग भी। और वो कौन था जिसे पकड़ा था? वो जब फोटो खींच रहा था तो कोई रिपोर्टर ही होगा। समझ नहीं
बहुत बड़े गैंग है फॉक्स और पैंथर, वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये लोग तो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं, वेदा शहर में तो इन्हें पहली बार देखा। पर आए हैं तो कुछ करना होगा ही। आप लोग पुरानी न्यूज वगैरह देखिए, यहाँ क्या होने वाला है। डॉक्टर सेन फोल्डिंग टैंक लेकर वेदा शहर आ रहे हैं। अरे अरे रुको, क्या कहा तुमने? अभी कौन सी खबर पढ़ी? डॉक्टर सेन फोल्डिंग टैंक लेकर वेदा शहर आ रहे हैं। यही बात है, ये फोल्डिंग टैंक वेदा शहर में आएगा, वहाँ से इसे वीनस सिटी में जाना है आर्मी एग्जीबिशन के लिए। ये बड़ा स्पेशल फोल्डिंग टैंक है। ये फोल्डिंग टैंक क्या है अंकल? डॉक्टर सेन ने ऐसा टैंक बनाया है जो छोटा तो नहीं होता, पर उसे फोल्ड किया जा सकता है और फोल्ड करके हाई ऑल्टीट्यूड में या कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये पैंथर और फॉक्स गैंग टैंक की चोरी करने आ रहे हैं। अरे तब तो हमें पता करना चाहिए कि लुटेरों का टैंक पर कब्जा करने का क्या प्लान है। एक बच्चे से डर कर भाग खड़े हुए तुम लोग इतना बड़ा मिशन कैसे पूरा करोगे? ये बच्चा आगे भी हमारे काम में टांग अड़ाएगा, इसलिए तुम लोग जाओ और उस बच्चे को पकड़ कर लाओ। नहीं बॉस, हमारे बस का नहीं, उसके लिए तो स्पेशल कमांडोज को ही भेजना पड़ेगा। यस बॉस। एक बच्चे को पकड़ कर लाना है, तुम और तुम्हारे कमांडोज मिलकर जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। तो फिर उसके लिए बाकी सब कमांडोज की क्या जरूरत? मैं अकेला पकड़ कर ले आता हूँ। नहीं, वो अकेला बच्चा ही हम 5 के बराबर है। हम लोग तो 10 के बराबर है, फिर भी उसने अकेले ने हम सबको पीटा। ओके, हम लोग उसे पकड़ कर लाते हैं, उसकी फोटो दो। फोटो तो नहीं है। बीच में साइकिल लिए चला जा रहा है। नहीं, बीच वाला नहीं, वो दाएं किनारे वाला। नहीं, वो पीछे वाला। नहीं, वो आगे वाला। कोई बात नहीं, आगे पीछे छोड़ो, है तो इन 4 में ही, हम अभी जाते हैं। मैं अभी आता हूँ, तुम लोग यहीं ठहरो। बोलो, तुम लोगों में से सबसे बहादुर कौन है जो बड़े बड़ों को पीट देता है? मैं ही हूँ सबसे बहादुर। इससे ज्यादा बहादुर हो कौन सकता है? एक बार गांव में 10 डाकू आए, मैंने ऐसा मारा, उधर से कराटे छाप, उधर से फ्लाइंग किक, 10 मिनट में मैदान साफ। वाह, वैसे तुम्हारी शक्ल देख के लगता तो नहीं कि तुम इतने बहादुर हो सकते हो। अंकल, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। ओके, तो चलो। Help! क्यों ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? मैंने आखिर किया क्या है? तुम्ही ना हमारे साथियों को पीटा था ना? नहीं, क्या बात कर रहे हो? मैं कैसे पीट सकता हूँ? मैंने किसी को नहीं पीटा। जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वैसे तो हमेशा झूठ ही बोलता हूँ, पहली बार सच बोल रहा हूँ। मारने वाला तो पीछे है, जो तुम्हें चेस कर रहा है, वो देखो उसकी चेसिंग। क्या मैं ऐसी चेसिंग कर सकता हूँ? बोला बोलो। मारो इसे, सब एक साथ आकर लड़ो, मेरे अकेले के बस का नहीं।
मेरा कोटा हो गया, मैं पहले आया था, तुम बाकी पे जारी रहो। एक शर्त पर छोड़ता हूँ, बताओ तुम लोग यहाँ वेदा शहर में क्यों आए हो? सच सच पूरा प्लान बताओ। अगर वो हमने बता दिया तो बॉस लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ सकेंगे, यानी जेल। तो जल्दी बताओ, जल्दी पता बता दो। दिमाग बहुत तेज चलता है और पैंथर की फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं। वो देखो, पैंथर टैंक का कंटेनर तोड़ रहा है। दूर ले जाना पड़ेगा वरना ज्यादा नुकसान होगा। खत्म करो उस बच्चे को। Thank you.
सेकंड का ब्रेक। बस करो और कितना पीटोगे? अब मैं एक रास्ता बताता हूँ, आप उस तरफ ले चलिए। ओके ओके। अब आप सामने जाकर रोक दो। हैं? सामने? सामने क्या है? वो नहीं दिख रही जेल? लड्डू सिंह जी, हमें जेल में डाल दो, लेकिन इस शिवा से बचा लो। बहुत मारता है ये, कितनी पावर है इसमें। अब कहां गया फॉक्स का तेज दिमाग? उससे ज्यादा तेज नहीं है, और वो पैंथर की फुर्ती कहां गई? शिवा से ज्यादा कोई फुर्तीला नहीं। थैंक यू शिवा, आज फिर तुम्हारी वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज गलत हाथ में जाने से बच गई।